जय हिंद सभी को, वेलकम टू नेचर ट्यूटोरियल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में, एंड देन हम देखेंगे एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन मींस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसी सिंपल चीज को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन। आप 9th और 10th में भी पढ़ चुके। अब पॉलिनेशन के क्या है, दो टाइप्स, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हम बात करते हैं अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर क्या होगा, दैट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर बट इट इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ये बात ध्यान में रखना, चाहे फ्लावर सेम रहो या फिर डिफरेंट रहो, लेकिन दोनों फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे सेम प्लांट पर, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी, ब्रेक द वर्ड अंडरस्टैंड द मीनिंग, ऑटो मींस सेल्फ, गैमस मींस मैरिज, सेल्फ मैरिज मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। यहां पर सेम फ्लावर के साथ ही पॉलिनेशन होगा, मींस फ्लावर जो भी प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ द ऑटोगैमी मस्ट बी बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मींस क्या होगा, दोनों के पास में मेल और मतलब सेम फ्लावर के पास में मेल और फीमेल पार्ट होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यहाँ पर जो ऑटोगैमस ऑटोगैमी जो होता है उसमें दो टाइप के फ्लावर्स आपको नजर आएंगे, विच आर नोन एज केस्मोगैमस फ्लावर्स एंड केरिस्टोगैमस फ्लावर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केस्मोगैमस फ्लावर्स। केस्मोगैमस फ्लावर्स मींस ऐसे फ्लावर्स जिनका बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड मींस क्या, आपको उनके पेटल खुले हुए नजर आएंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको उनका स्टिग्मा स्टाइल नजर आएगा, उनके एंथर फिलामेंट आपको नजर आएंगे, उसे हम क्या कहते हैं केस्मोगैमस फ्लावर्स। वही केरिस्टोगैमस फ्लावर्स मींस क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो ओपन नहीं होते, मतलब उनके पेटल्स हमेशा क्लोज नजर आएंगे आपको, आपको ना उनका स्टिग्मा नजर आएगा ना उनका स्टाइल नजर आएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं केस्मोगैमस फ्लावर्स। आपको मेरे लेफ्ट और राइट में दिखाई दे रहा होगा कि केस्मोगैमस फ्लावर्स और केरिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से करके विद वन वन एग्जाम्पल। बट वही अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी का एग्जाम्पल, तो वो है क्या, पी प्लांट मतलब अपना मटर। ध्यान में कैसे रखेंगे ऑटो पी, ये एक ट्रिक के ट्रिक की तरह याद रखो, ऑटो पी मीन्स ऑटोगैमी का एग्जाम्पल पी प्लांट। वही हम बात करते हैं जिटेनोगैमी, यहाँ पर जिटेनो एंड गैमी, ब्रेक द वर्ड अंडरस्टैंड द मीनिंग, जिटो मीन्स मैरिज, गैमी मीन्स सॉरी जिटो मीन्स नेबरिंग, गैमी मीन्स मैरिज, ओके। अब जिटेनोगैमी मीन्स क्या होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर में, लेकिन फ्लावर कैसा है डिफरेंट डिफरेंट बट प्रेजेंट कहां है सेम प्लांट पर। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर में जो फ्लावर है और सेकंड वाला जो फ्लावर है दोनों प्रेजेंट है कहां, सेम प्लांट पर, बट ऊपर वाला फ्लावर क्या कर रहा है अपने पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहा है सेकंड वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे, इसे हम क्या कहते हैं जिटोनोगैमी। एग्जाम्पल जो है वो उसका क्या है, कुकुरबिट्स। ध्यान में कैसे रखेंगे, जिटोबिट, जिटोबिट मींस जिटो मींस ध्यान में क्या रखना है जिटोनोगैमी, और बिट्स मींस क्या कुकुरबिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस हम क्रॉस पोलिनेशन पे। अब यहां पर क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बट इट इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, इट कैन बी ऑफ जेनेटिकली सिमिलर और जेनेटिकली डिसिमिलर। तो चलो देखते हैं, अब क्रॉस पोलिनेशन में आपको दो टाइप नजर आते हैं, एक होता है एलोगैमी, दूसरा होता है गाइस ज़िगोगैमी। एलोगैमी मींस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, ओके। यहां पर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर में, और दोनों प्रेजेंट कहां है अलग अलग प्लांट पर, बट दोनों की स्पीसीज कैसी है सेम। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसका, पपाया। पपाया का प्लांट अगर आप देखो तो मेल वाला पपाया का प्लांट अलग होता है, फीमेल वाले पपाया का प्लांट अलग होता है, तो मेल वाले पपाया के पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फीमेल वाले पपाया के स्टिग्मा पर, बट दोनों फ्लावर प्रेजेंट कहां है अलग अलग प्लांट पर, बट दोनों की स्पीसीज क्या है सेम, मींस पपाया, ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, एलोगैमी। फिर हम बात करते हैं ज़िगोगैमी की, इसको आप हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हो, मींस क्या, दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एलोगैमी में सेम स्पीसीज, ज़िगोगैमी में एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्रास एंड ऑनियन। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे अबाउट द एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में। तो चलो
अभी अगर हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन में, तो आपको मोस्टली दो टाइप के एजेंट्स मिलते हैं, वो है अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज विंड एंड वाटर। और अगर हम बायोटिक की बात करते हैं तो वहां पर पूरे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बैट्स, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल एंड स्नेक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। यहाँ पर गाइस ब्रेक द वर्ड, अंडरस्टैंड द मीनिंग। एनिमो मींस विंड, फिली मींस लविंग, इसीलिए एनिमोफिली। उसके बाद वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। इंसेक्ट से अगर होता है तो एंटेमोफिली। बर्ड से अगर पॉलिनेशन होता है तो ऑर्निथोफिली। बैट से अगर होता है तो कायरेप्टेरोफिली। ओके, एनिमल से हो रहा है तो जूफिली। स्नेल से होता है तो मेलाकोफिली। स्नेक से होता है तो ऑफियोफिली। एंड एंट से होता है तो मर्मेकोफिली। तो कुछ इस तरीके के टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।